दोस्तों आज हम इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान और तुर्की दोनों के साथ करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जितना नफरत भारत से करता है अब उतना ही नफरत तुर्की भी भारत से करने लगा है, और इसके पीछे रीजन है सिर्फ रिलीजन। दरअसल तुर्की खुद को इस्लामिक देशों का लीडर बनाना चाहता है, इसीलिए कई सारे मुस्लिम देशों के आंतरिक मामलों को वैश्विक मंच में बढ़ चढ़कर उठाता है, ताकि अधिक से अधिक मुस्लिम देश तुर्की को अपना मसीहा समझे। और जब बात पाकिस्तान की आती है तो तुर्की एक आयरन ब्रदर की तरह पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो जाता है, और कश्मीर विवाद में भी तुर्की पाकिस्तान को ही समर्थन देता है। तुर्की ने तो कश्मीर विवाद को यूनाइटेड नेशन में भी उठाया था, जिसमें तुर्की ने पाकिस्तान को कश्मीर का हिस्सा बताया था। इतना ही नहीं बल्कि तुर्की ने तो कई बार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अपनी आर्मी भेजने की बात भी कही है। और ऐसे में ये तो लाजमी है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होता है तो तुर्की पाकिस्तान के मदद के लिए सबसे पहले आएगा। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान और तुर्की फौज मिलकर इंडियन आर्मी के सामने कितना देर टिकेगा। आज का ये कंपैरिजन शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट से, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। दोस्तों इंडिया दुनिया का तकरीबन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जबकि ये दोनों देश मिलाकर 1.57 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो अकेले इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी अधिक है, वहीं इन दोनों देशों का जनसंख्या मिलाकर 31 करोड़ होगा। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि इन दोनों देशों का कंबाइंड जीडीपी 1.49 ट्रिलियन डॉलर होगा। वहीं पॉपुलेशन कम होने के कारण जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी पाकिस्तान और तुर्की का इंडिया से ज़्यादा होगा। वेल, अब बात करते हैं मिलिट्री पावर की और देखते हैं किसके पास ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स मौजूद है, और इसमें सबसे पहले बात करते हैं रैंक्स की। दोस्तों भारतीय सेना वर्ल्ड में फोर्थ रैंक पर आता है, जबकि पाकिस्तानी सेना सातवें रैंक पर आता है और तुर्कीस मिलिट्री 13th रैंक में आता है। दोस्तों भारत इस साल अपने डिफेंस पर 72.9 बिलियन डॉलर खर्च करेगा, वहीं पाकिस्तान और तुर्की का कंबाइंड डिफेंस बजट 22 बिलियन डॉलर होगा। दोस्तों अब देखते हैं लैंड पावर में कौन आगे है। बात करें मिलिट्री पर्सनल की तो भारत के पास एक्टिव और रिजर्व पर्सनल मिलाकर 26 लाख मिलिट्री पर्सनल मौजूद है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की के पास एक्टिव और रिजर्व पर्सनल 17,50,000 के करीब है। इंडिया के पास बैटल टैंक्स 4,750 के करीब है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की के पास 5,840 के करीब बैटल टैंक्स अवेलेबल है। इंडिया के पास आर्मर्ड व्हीकल्स 12,500 से ज़्यादा है, जबकि तुर्की और पाकिस्तान का मिलाकर 23,200 के करीब आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद है। इंडिया के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स के 1300 यूनिट मौजूद है, वहीं तुर्की और पाकिस्तान के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स टोटल 960 मौजूद है। दोस्तों इसके बाद अब देखते हैं एयर पावर में कौन आगे है। बात करें एयरक्राफ्ट की तो इंडिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2200 से ज़्यादा है, जिनमें से फाइटर एयरक्राफ्ट 560 के करीब है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की के पास 2400 के करीब एयरक्राफ्ट मौजूद है, और इनमें से फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो तकरीबन 560 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट इन दोनों देशों के पास भी मौजूद है। दोस्तों अगर सिर्फ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इंडिया के पास 37 के करीब कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मौजूद है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की के पास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के 160 यूनिट मौजूद है। लेकिन भारत मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, और आने वाले दिनों में कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की संख्या भारत बढ़ाने वाला है। दोस्तों अगर बात नेवल पावर की करें तो इसमें इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप इंडिया के पास तकरीबन 10 अवेलेबल है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की में से सिर्फ पाकिस्तान के पास 2 डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद है। इसके अलावा इंडियन नेवी 17 सबमरीन ऑपरेट करती है, जबकि पाकिस्तानी नेवी और तुर्कीस नेवी के पास टोटल 20 सबमरीन मौजूद है। दोस्तों अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एटॉमिक ताकत है। भारत के पास 155 से 160 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 160 से 165 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हो सकता है। वेल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।